आपने आंदोलन किए हैं, आज भी आप कमिश्नर कार्यालय के बाहर बैठे हुए हैं, तो ये आंदोलन कोई आपका रंग नहीं ला पा रहा है क्या? देखिए, रंग तो तब लाता है जब सरकार रंग लाने के उसमें हो। ये जो सरकार है भाजपा की सरकार, मैंने अपनी 40 साल की उम्र में ऐसी सरकार नहीं देखी। पहले भी आई है, इसीलिए चली गई थी और इस बार भी 2019 में चली जाएगी। रोहटा रोड जो नरक है, 2014 में केवल निर्माण हुआ था जब समाजवादी सरकार, हमें इस बात में कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जब समाजवादी सरकार हुआ करती थी तो बीजेपी के लोग हमारे धरनों में जाया करते थे, विधायक और सांसद, कि अगर हमारी सरकार होती तो आपको ये धरना देने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरा सवाल है उन भाजपा के सांसद विधायक राजेंद्र अग्रवाल से कि आज तुम्हारी सरकार सेंटर में भी है और राज्य में भी तुम्हारी सरकार है, तो पिछले 2 साल से तुम्हारी राज्य में सरकार है तो रोहटा रोड पे 5 मृत्यु हो चुकी, 17 दुर्घटनाएं हो चुकी हैं जिनमें कम से कम 7 बार टेम्पो पलट चुके हैं, तो उन मौतों का जिम्मेदार कौन है, उन दुर्घटनाओं का जिम्मेदार कौन है? कितने लोगों की मौत हुई है? 5 लोग उस दुर्घटना में मर चुके हैं। भाजपा के सांसद विधायक द्वारा जानबूझकर इस प्रस्ताव जो वहाँ अटका हुआ है उसको नहीं पास होने दिया जा रहा। उसकी वजह यह है कि हमने सड़क पर नाव चलाई, सरकार का ध्यान अपनी रोहटा रोड की तरफ आकर्षित करने के लिए हमने लोकतांत्रिक इस देश में, जो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है कि हम अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार से मांग करें, और सरकार का ये संवैधानिक दायित्व है कि वो जनता की जो समस्याएं हैं उनका निवारण करें। रोजाना दुर्घटनाएं होती हैं। महिलाओं ने तो कमान संभाल रखी है। आज मेरे कमिश्नरी पर रोहटा रोड जो एक दुर्गति रोड हो चुकी है, जो भाजपा के सांसद राजेंद्र अग्रवाल और कैंट विधायक सत्य प्रकाश अग्रवाल की जानबूझकर की जा रही अनदेखी का नतीजा है। सांसद विधायक मुर्दाबाद के नारे लगेंगे और आज आर पार की लड़ाई होकर यहां से जाएगी। सांसद विधायक, सांसद विधायक, सांसद विधायक।